गुजरात का वडनगर। जहां नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। मोदी को बचपन से ही साधु जीवन और संन्यास बहुत पसंद था। वो बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। छह भाई बहनों का परिवार चलाने का दारोमदार वडनगर रेलवे स्टेशन की एक चाय की दुकान पर टिका था। जिसे उनके पिता चलाते थे। नरेंद्र भी स्कूल से आने के बाद चाय बेचा करते थे। चाय की दुकान पर काम करते हुए पढ़ाई भी करनी होती थी। काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाते हुए बालक नरेंद्र बड़े हो रहे थे। मुश्किल से चल रहा परिवार का गुजारा और मन में पल रही सन्यास की चाहत, कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी नरेंद्र के मन में। युवावस्था की दहलीज पर खड़े नरेंद्र ने आखिरकार मन की सुनी और 17 वर्ष की उम्र में घर छोड़ आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। तपस्वी जैसा धैर्य, किसी बड़े टेक्नो सेवी जैसा अप टू डेट, प्रधान सेवक से लेकर विश्व मित्र तक, यही तो है नरेंद्र मोदी का विस्तार। लेकिन एक विस्तार और भी है। कड़े फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री से लेकर आम दिल के लिए धड़कने वाले नरेंद्र मोदी, आखिर प्रधानमंत्री के पास ये शक्ति और ये अनुशासन कहां से आया? तो जवाब है आरएसएस। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्ते। किशोरावस्था में ही आरएसएस के संपर्क में आए नरेंद्र मोदी 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। यहां मोदी को उनके राजनीतिक गुरु लक्ष्मण राव ईमानदार उर्फ वकील साहब का मार्गदर्शन मिला। प्रखर तर्क शक्ति, तीक्ष्ण बौद्धिक क्षमता और सम्यक सांगठनिक कौशल के धनी नरेंद्र आरएसएस में गहरी पैठ बनाते चले गए। आरएसएस का राजनीतिक संगठन बनने पर 1985 में नरेंद्र भाजपा में शामिल हो गए। अहमदाबाद नगर निकाय चुनाव में पहली जीत में नरेंद्र मोदी का अहम योगदान माना गया। कम ही लोग जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी की जिस रथ यात्रा ने भारत में हिंदू पुनर्जागरण की आधारशिला रखी, उसके संयोजक सूत्रधार नरेंद्र मोदी ही थे। नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा के संचालक थे। स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी ने तब राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए गुजरात के गांव-गांव की यात्रा की। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर 9000 से ज्यादा गांव की खाक छान डाली और 55 लाख से ज्यादा लोगों को राम के काज से जोड़ने का बीड़ा उठाया। ये रथ यात्रा राष्ट्रीय स्तर पर उनको मिली पहली बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी थी। 1988 में वो गुजरात भाजपा इकाई में संगठन सचिव चुने गए। लेकिन साल 1991 में मुरली मनोहर जोशी की कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की एकता यात्रा के सफल संयोजन से मोदी का कद और बढ़ गया। बीजेपी की 1995 में गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत के पीछे मोदी की चुनावी रणनीति की अहम भूमिका रही, जिसके बाद उन्हें कई बड़ी जिम्मेदारियां मिली। उन्होंने उन जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया। 1998 के चुनाव में बीजेपी ने गुजरात विधानसभा में बड़ी जीत दर्ज की। 4 मार्च 1998 को केशुभाई पटेल दूसरी बार प्रदेश के सीएम बने।
केशुभाई के कार्यकाल के दौरान गुजरात में भूकंप और सूखे ने भयंकर तबाही मचाई थी। लाल कृष्ण आडवाणी केशुभाई को नाराज कर अनुभवहीन मोदी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन मोदी ने उप मुख्यमंत्री बनने से इनकार करते हुए अटल और आडवाणी को बता दिया कि उन्हें पूरी जिम्मेदारी दी जाए या अलग ही रखा जाए। 1995 में गुजरात छोड़ने के 6 साल बाद 2001 में नरेंद्र मोदी की गुजरात वापसी हुई। केशुभाई पटेल को हटाकर उन्हें सीएम बनाया गया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर ना नामे सौगंध लऊं छूं, ईश्वर ना नामे सौगंध लऊं छूं। मोदी को मुख्यमंत्री बने साल भर भी नहीं हुआ था कि 2002 में गुजरात दंगे हो गए। इसमें करीब 1000 लोगों की जान गई। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार हम रहते वहीं है, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपलसरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों में, ताजिए के नीचे। हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा हूँ, आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पुराने। दूसरा, 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हो गई, खराब कर दी गई गोधरा के बाद। दंगों के करीब 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन 3 महीने पहले ही करा लिए गए। इसमें मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने कुल 182 में से रिकॉर्ड 127 सीटें जीत ली। मोदी दूसरी बार सीएम बने, इसके बाद 2007 में तीसरी बार और 2012 में चौथी बार गुजरात के सीएम बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात में अपने विरोधियों को ईश्वर की शपथ लेता हूं। पार्टी ने केंद्र में बीजेपी का डंका बजवाने के लिए सबसे योग्य पाया और यहीं से मोदी के दिल्ली सफर की शुरुआत हुई। साल 2012 से ही उन्हें पीएम फेस के तौर पर प्रचारित किया जाने लगा। ।2014 के लोकसभा चुनाव में इस प्रचार का जलवा देखने को मिला और भाजपा को बड़ी सफलता मिली। नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बन गए। साल 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कीर्तिमान था। पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने बहुमत हासिल किया था। ये मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने 282 सीटें हासिल की। इसके बाद साल 2019 में मोदी और मजबूत होकर उभरे। बीजेपी ने 2014 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 300 अधिक सीटों पर जीत दर्ज की। नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। एक करवा माटे नो जे मारो प्राण छे ने ए पण मजबूत थाय। स्वार्थ और व्यक्तिगत सुख दुख से परे राष्ट्रभक्ति अनुशासन कठिन परिश्रम के साथ देश के विकास के लिए निरंतर तत्पर रहना, जन कल्याणकारी नीतियों का निर्माण करना, जरूरत के मुताबिक कड़े फैसले लेना, ऐसी कई विशेषताएं हैं जो नरेंद्र मोदी को दूसरों से अलग बनाती हैं। 26 मई 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मृतकों के मटिया मेट होने का आरंभ यहीं से हुआ, फिर हर दिन होता ही गया बदलाव, नाम में भी दिखा और काम में भी। कुर्सी संभालते ही नरेंद्र मोदी ने पहली कैबिनेट की बैठक में काले धन पर वार किया। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए
और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और एसआईटी गठित की। 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। अपने भाषण में उन्होंने देश के विकास पर ब्लूप्रिंट रखा, स्वच्छता पर जोर दिया। जान होता हम साथ चले, मिलके चले, मिलके सोचे, मिलके संकल्प करें और मिलकर के हम देश को आगे बढ़ाए। पीएम मोदी की प्राथमिकता के केंद्र में रहे गांव के गरीब, किसान और मजदूर। एक लक्ष्य, एक मन, एक दिशा, एक गति, एक मति, इस मुकाम पर हम देश को चलाने का संकल्प करें। मेरे परिवार, सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए जन धन योजना बनाई गई। 28 अगस्त 2024 को यह योजना लॉन्च हुई। जीरो बैलेंस की सुविधा के साथ खाते खोले गए। इनमें तमाम योजनाओं की रकम पहुंच रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण बिचौलिए सिस्टम से गायब हो गए। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास का नाम 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया और प्रधानमंत्री आवास में कई बदलाव किए गए। अब जनता की आवाज सीधे लोक कल्याण मार्ग के चौखट तक पहुंचने लगी और इससे कई जन कल्याण की योजनाओं की शुरुआत हुई, जिसका फायदा जनता को। महिलाओं को खाना बनाते समय धुएं से निजात दिलाने की कोशिश थी मोदी की। 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना लॉन्च हुई। गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और चूल्हा बांटने का अभियान शुरू हुआ। गरीबी के बीच गांव में बिताए हुए शुरुआती वर्षों ने ही मोदी को शौचालय से लेकर गरीबों के लिए पक्के मकान, अच्छी सड़कें, शुद्ध पेयजल और 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। 75 साल हो तब हिंदुस्तान में कोई परिवार ऐसा न हो जिसका अपना घर न हो। नई टेक्नोलॉजी और आईटी के मोदी हमेशा से हिमायती थे। अपनी सरकार के कामकाज को असरदार बनाने और आम जनता की सुविधा के लिए मोदी ने डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च किया। 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ ये मिशन कई प्लेटफॉर्म्स और एप्स के जरिए विस्तार पाता गया। जिस देश में कभी नकदी के इस्तेमाल पर जोर रहता था, वहां कैशलेस ट्रांजैक्शन की रफ्तार तेज हुई। इरादा था सिस्टम को और पारदर्शी बनाना, काले धन को कम करना, जिसकी कोशिश मोदी नोटबंदी के तहत कर चुके थे। यूपीए सरकार के समय हुई आधार योजना को पीएम ने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लोगों के आधार कार्ड बने और उन्हें बैंक खातों से जोड़ा गया ताकि योजनाओं का लाभ असली लोगों तक पहुंचे। गांव गरीब की चिंता करने वाले पीएम मोदी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर भी ध्यान दिया। नए आईआईएम, आईआईटी, एम्स कई जगहों पर खोले गए। साथ ही नौजवानों के हुनर को निखारने के लिए स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया। नरेंद्र मोदी ने संवाद के हर माध्यम को जनसेवा का औजार बनाया। उनकी इस खींची लकीर पर विरोधी भी चलने को मजबूर है। 7 नवंबर 2015 को पीएम मोदी ने सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा किया। सेना के सामने खड़ी चुनौतियों का हल निकालने में लगे मोदी दिवाली उन्हीं के साथ मनाने लगे। लेकिन जल्द ही मोदी के सामने एक नई चुनौती आई। 18 सितंबर 2016 को उरी की सैनिक छावनी में सोए हुए जवानों पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। हमले में कई जवान शहीद हुए। पूरे देश में गुस्से की लहर पैदा हुई। आतंकवादी कान खोल के सुन ले कि देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है।
बदले की भावना पैदा हुई। ये मोदी को भी जन भावनाओं का अंदाजा था। 29 सितंबर 2016 उरी पर हुए हमले का बदला ले लिया गया। कर्म पथ पर ऐसी दुविधाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई बार सामना हुआ, लेकिन वे डिगे नहीं। उन्होंने भावनाओं के बीच सामंजस्य बनाए रखा, चाहे बात देश के दुश्मनों से निपटने की हो या विकास की नई कहानी लिखने की हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन और रात का फर्क नहीं देखा। अब देश में एक बार फिर से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि नई कहानी लिखी जाएगी और देश ने पिछले 10 साल में जो बदलाव हुआ है, ईवीएम उसकी गवाही जरूर देगा। विनीत कुमार, न्यूज 18, दिल्ली।